नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च की गई हुई एक फैसिलिटी जिसका नाम है फ्रीडम SIP के बारे में। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है जिसके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। अगर आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं या तो फिर नहीं है, दोनों ही सूरत में आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड में नई इन्वेस्टर है या तो फिर पुराने इन्वेस्टर है, हम सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की है, लॉन्ग टर्म में नहीं लेकिन शॉर्ट टर्म में ये बात बिल्कुल ही सही है। इसीलिए म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही कहा गया है। म्यूचुअल फंड में अगर आप लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो तो गारंटेड ही आपका पैसा अच्छा बनने वाला है, आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई भी स्कीम या ऐसी कोई भी AMC नहीं है जो आपको ये रिटर्न मतलब कि लिख के दे सके कि आपको इतना गारंटेड पैसा मिलेगा। तो सिर्फ इसी वजह से जो कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर है, जो ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते, अपने पैसों को ज्यादा रिस्क पे रखना पसंद नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट के बाकी अलग इंस्ट्रूमेंट की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं जो कि सेफ एंड गारंटेड है, जैसे कि FD, PPF, NSC, ULIP, LIC। इन सब का फायदा एक ही है कि ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट आपको सेफ एंड गारंटेड रिटर्न देते हैं, और वो भी लिख के कि आप अगर इतने साल तक इतना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतने साल के बाद इतना पैसा इतने इतने महीने के बाद आपको मिलेगा। ये सब कुछ वो लोग लिख के देते हैं, इसीलिए ये पैसा सेफ माना जाता है। और जो कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर है वो इसमें इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करता है। इसका फायदा एक है लेकिन इसके जो गैर फायदे है यानी कि लॉसेस है वो बहुत सारे हैं। उसमें पहला है कि इसमें लॉक इन पीरियड बहुत सारा है, 5 साल से लेके 25 साल तक इसमें लॉक इन पीरियड है, मतलब इतने साल के लिए आप पैसा उसमें से नहीं उठा सकते हैं। कुछ कंडीशंस में आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं लेकिन फुल विड्रॉल करने के लिए आपको लॉक इन पीरियड तक वेट करना ही पड़ता है। इसमें रेट ऑफ रिटर्न बहुत ही कम है, आपको गारंटेड फिक्स सेफ रिटर्न देता है लेकिन टिपिकली 6-8% से ज्यादा या उससे थोड़ा ज्यादा, उससे ज्यादा आपको रिटर्न इसमें नहीं मिल सकता है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, इससे ये थोड़ा सा ही ज्यादा रिटर्न देता है, मतलब अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं तो ये टाइप का इंस्ट्रूमेंट आपके ज्यादा काम नहीं आने वाला है। सेफ और गारंटेड जो आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन बताए, इससे आप अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप कर भी सकते हो तो उसके लिए आपको मंथली बहुत सारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा या तो फिर उसको बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड के जितने टाइम के अंदर इसमें से एक भी आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड की तरह आपको रिटर्न नहीं दे सकता है। आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले हैं। ये सिर्फ आपका पैसा सेफ रखते हैं और उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी करते हैं बस इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से। तो इससे ना वेल्थ क्रिएशन होती है ना आपके फाइनेंशियल गोल कंप्लीट होते हैं। इसका बस एक ही फायदा है जो आपकी आपको मैंने पहले बताया कि ये सेफ एंड गारंटेड रिटर्न आपको लिख कर देता है। तो मैंने आपको जो FD, LIC, PPF, NSE उसके जो गैर फायदे और जो लॉसेस बताए वो सारे के सारे फायदे के रूप में आपको म्यूचुअल फंड में मिल सकते हैं, लेकिन गारंटेड और सेफ रिटर्न वो आपको लिखकर म्यूचुअल फंड में नहीं दिया जाता है। तो अगर मैं आपको कहूं कि यही सेम फैसिलिटी अब म्यूचुअल फंड में भी अवेलेबल है, यानी कि सेफ और गारंटेड रिटर्न आपको लिख के यानी कि रिटर्न में मिलेगा, तो अगर ये चीज हकीकत में पॉसिबल है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बेशक चाहोगे। इसी कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर के लिए पहली बार ICICI म्यूचुअल फंड लाया है आपके लिए एक फैसिलिटी जिसका नाम है फ्रीडम SIP। इसके अंदर आपको जो पैसा रिटर्न मिलने वाला है वो लोग आपको लिख कर देते हैं। ये एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है और ये पहली बार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लॉन्च किया गया है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के द्वारा। ये एक बिल्कुल ही आसान सा कॉन्सेप्ट या फैसिलिटी है जिसके अंदर कोई भी इफ एंड बट्स या तो फिर जो और तो की कुछ कोई भी गुंजाइश नहीं है, कोई भी एस्ट्रिक मार्क नहीं है, कोई भी हिडन कंडीशन इसके अंदर नहीं है। बिल्कुल ही एक फिक्स इनकम प्लान की तरह है। तो आइए समझते हैं फ्रीडम SIP की फैसिलिटी को। इसके अंदर आपको कुछ पैसे कुछ टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है और उसके बाद में जब आपकी SIP की टर्म खत्म हो जाती है तो उसके बाद आपकी फिक्स इनकम फिक्स मंथली इनकम शुरू हो जाती है।
जिसके अंदर आपके पास चार टाइम स्लॉट है जिसके अंदर आप SIP बुक कर सकते हैं, 8 साल, 10 साल, 12 साल और 15 साल। ये चार जो टाइम स्लॉट है, इतने टाइम स्लॉट की आप SIP कर सकते हो, और ये SIP खत्म होने के बाद बिल्कुल दूसरे ही महीने से सेम डेट को आपके जो मंथली इनकम है वो शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपको टाइम पीरियड के हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं। अगर आपने SIP का टेन्योर 8 साल का सिलेक्ट किया है तो 8 साल के बाद उतनी ही अमाउंट की मंथली इनकम आपकी शुरू हो जाएगी। अगर आपने 10 साल का टेन्योर रखा है तो आपकी जो SIP अमाउंट है उससे 1.5 टाइम्स पैसा आपको मंथली इनकम के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे ही अगर आपने 12 साल की SIP रखी है तो आपको जो आपकी SIP अमाउंट के दुगने पैसे आपको मंथली इनकम में मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने SIP का टेन्योर 15 साल का रखा है तो 15 साल के बाद आपको जो मंथली इनकम मिलेगी वो आपकी जो SIP की अमाउंट होगी उससे 3 गुना ज्यादा होगी। तो अब ये चीज मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लेफ्ट में इन्वेस्ट का टेबल है और राइट में टेक का टेबल है। समझिए कि आपने 10,000 रुपये की SIP की है और ड्यूरेशन 8 साल का है, तो मल्टीपल्स 1 है और मंथली विड्रॉल अमाउंट है 10,000। मतलब कि अगर आपने 10,000 रुपये की SIP की है 8 साल के लिए, तो आपको 8 साल के बाद हर महीने 10,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपने 10,000 की SIP 10 साल के लिए की है तो आपको 1.5 टाइम्स यानी कि हर महीने 15,000 रुपये मिलेंगे 10 साल के बाद। और अगर आपने 12 साल के लिए SIP की है 10,000 की, तो आपको 12 साल के बाद डबल यानी कि 20,000 रुपये हर महीने आपको मिलेंगे। और अगर आपने 15 साल की SIP की है 10,000 रुपये की, तो आपको 3 गुना ज़्यादा यानी कि 30,000 रुपये हर महीने आपको मिलेंगे। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको ये जो अमाउंट मिलने वाली है, जो मंथली इनकम आपको मिलने वाली, वो आपको 2099 यानी कि 2099 ये सेंचुरी के एंड तक आपको ये पैसे मिलते रहेंगे। अगर आप अगर नहीं रहे तो आपके नॉमिनी को, अगर आपका नॉमिनी नहीं रहा तो उसके भी नॉमिनी को ये पैसा मिलता रहेगा, लेकिन 2099 तक ये पैसा आपको मिलता रहेगा, ये भी गारंटेड है। अब ये एग्जाम्पल को थोड़ा आगे जाके देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपका फायदा कहां पर है। अब उसी टेबल को पकड़ लीजिए, 10,000 SIP हमने की है, तो समझ लीजिए कि हमने SIP मतलब अगले महीने से जनवरी 2020 से अगर हमने SIP शुरू की है और 2099 तक की उसकी टर्म है, मतलब कि 80 साल 80 ईयर्स तक की टोटल टर्म है। तो अब बात करेंगे 8 साल की, तो अगर हमने 8 साल के लिए SIP की है तो हमारी टर्म होगी 8 साल, मतलब 2027 में वो खत्म होगी और 2028 से हमें पैसा मिलना शुरू होगा 72 ईयर्स तक। उसके बाद में जो 10 साल वाला है वो 2030 से शुरू होगा, 12 साल वाला है वो 2032 से शुरू होगा, और जो 15 साल वाला है वो 2035 से पैसा मिलना शुरू होगा मंथली इनकम के रूप में। और ये सारी की सारी जो मंथली इनकम है वो 2099 में खत्म होगी, मतलब 8 साल के लिए हमें जो टर्म मिल रही है वो 72 ईयर्स है, मतलब 72 ईयर्स तक हमें पैसा मिलेगा। 10 साल की है उसका पैसा हमें 70 साल यानी कि 70 ईयर्स तक मिलेगा। जो 12 साल है उसका पैसा हमें 68 ईयर्स तक मिलेगा। और जो 15 साल की SIP हमने की है वो हमें, इसका पैसा हमें 65 ईयर्स तक मिलता रहेगा। अब बात करेंगे कि कितना पैसा मिलेगा। तो जो हमने 8 साल के लिए जो SIP की है उसमें हम टोटल, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है 8 साल का 10,000 के हिसाब से, 10,000 पर मंथ के हिसाब से 9,60,000। जो 10 साल का है वो 12 लाख, जो 12 साल का है वो 14,40,000, जो 15 साल वाली SIP है उसका 18 लाख रुपए इन्वेस्ट हमारा होता है उसके रिस्पेक्टिव टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। तो अब जब हमारी मंथली इनकम शुरू होगी तब के फिगर्स देख लेते हैं। जो 8 साल का है उसमें 86,40,000, जो 10 साल का है वो 1,26,00,000, जो 12 साल का है 1,63,20,000, और जो 15 साल का है उसके अंदर 2,34,00,000। इतने पैसे आपको 2099 तक इसी स्कीम से मंथली इनकम के रूप में मिलते रहने वाले हैं। तो ये था मंथली SIP 10,000 रुपये का एग्जाम्पल। अगर आप समझ लीजिए कि अगर आप 20,000 रुपये की SIP करते हैं तो ये जो फिगर्स है बस आपको उसको डबल कर देना है,
यहाँ पर आपको SIP के कितने रिटर्न्स मिलते हैं उस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्लम AMC का है या तो फिर वो पर्टिकुलर स्कीम का है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपकी SIP बीच में कहीं भी स्टॉप नहीं करनी है, मतलब SIP का टेन्योर खत्म होने से पहले आपको SIP स्टॉप नहीं करनी है, वो पैसों को कहीं स्विच नहीं करना है, ना ही रिडम्पशन करना है। मतलब कि आपका जो टेन्योर है वो पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद में ही आपकी मंथली इनकम शुरू होती है। बस अगर आपने स्विच, रिडम्पशन या तो फिर स्टॉप कर दिया तो आपको ये फैसिलिटी अवेल नहीं होगी, मतलब कि ये आप फैसिलिटी आप नहीं ले पाओगे। जब आपकी SIP खत्म हो जाती है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप जो आपकी जो अमाउंट जो कॉर्पस जमा हुआ है वो सारा का सारा विड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो ऑटोमेटिकली किसी अलग स्कीम में, किसी दूसरी स्कीम में वो स्विच हो जाएगा और आपको मंथली इनकम के रूप में मिलता रहेगा 2099 तक। आप इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप पहला ऑप्शन चूज करते हैं, अगर पैसे विड्रॉ करने का ऑप्शन चूज करते हैं, तो शायद आपको ऐसा हो सकता है कि आपके गोल्स कंप्लीट ना हुए हों। अगर शायद आपने सोचा था उतने पैसे, उतना कॉर्पस जमा ना हुआ हो तो आपको वो पैसा विड्रॉ करने का कोई फायदा नहीं होगा, तो उससे अच्छा है आप मंथली इनकम वाले ऑप्शन पे चले जाइए। एंड दिस इज नॉट द एंड, अगर आप मंथली इनकम का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो पैसा स्विच हुआ है वो आप मंथली रिडम्पशन होगा, मतलब आपको मंथली इनकम के रूप में मिलेगा, और साथ में ही जो पैसा उसमें बचा है उसको भी ग्रोथ होना शुरू होगा, और 2099 तक आप अगर आपने जितने पैसे विड्रॉ किए हैं उतने ही पैसे या तो फिर बहुत अच्छी अमाउंट आपके विड्रॉ करने के बाद एक बहुत ही अच्छी अमाउंट आपके पास बाकी बचेगी जो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है फ्रीडम SIP का, कि जिसमें आप सिर्फ ना अपनी जनरेशन के लिए जमा कर रहे हो बल्कि आप वो कॉर्पस है वो अपनी आने वाली जनरेशन को भी पास ऑन कर सकते हो। इसमें इन्वेस्टमेंट करने का तरीका ये है कि ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के अंदर इक्विटी, हाइब्रिड एंड फंड ऑफ फंड, इस टाइप की किसी भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका SIP का टेन्योर खत्म होने के बाद जो सोर्स स्कीम है उसमें से पैसा स्विच होकर टारगेट स्कीम में चला जाएगा। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको SIP का जो टेन्योर है पूरा कंप्लीट करना है, उसे कहीं भी बीच में रोकना नहीं है, या तो फिर उसे रिडम्पशन नहीं करना है, या तो फिर स्विच नहीं करना है। उसका जो भी टेन्योर है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप ये मंथली इनकम वाली फैसिलिटी ले पाओगे। अगर इनमें से अगर कुछ भी हो तो आपके जो SIP के अंदर आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो पैसे आपके वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसको जो जैसे बढ़ना है वो बिल्कुल वैसे ही बढ़ता रहेगा, लेकिन आपको जो मंथली इनकम वाली फैसिलिटी है वो आप नहीं ले पाओगे। आपको नॉर्मल SIP की बाकी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन मंथली इनकम वाला जो फ्रीडम SIP का जो पर्टिकुलर जो बेनिफिट है वो आप नहीं ले पाओगे। अब इसके साथ एक और बहुत अच्छा बेनिफिट आपको दिया जा रहा है, इसका नाम है SIP प्लस। ये SIP प्लस एक टर्म इंश्योरेंस है जो आपकी SIP अमाउंट पर डिपेंड करता है। आपकी जो मंथली SIP जो अमाउंट है उससे 10 times, 50 times और 100 times आपको टर्म इंश्योरेंस दिया जाता है। आपने जो मंथली SIP अमाउंट सिलेक्ट की है उसमें से फर्स्ट ईयर आपको, मतलब पहले साल आपको उसका 10 गुना, दूसरे साल 50 गुना और तीसरे साल 100 गुना जितना आपको टर्म इंश्योरेंस आपको दिया जाता है। मतलब समझ लीजिए कि आपने 10,000 की SIP की है तो पहले साल का जो आपका टर्म इंश्योरेंस है वो 1,00,000 का होगा, जो दूसरे साल का है वो आपका होगा 5,00,000 का, और जो तीसरे साल का है वो आपका 100 times के हिसाब से बनेगा 10,00,000 का। और समझ लीजिए कि आपने 20,000 की SIP की है तो यही फिगर्स डबल हो जाते हैं, 2,00,000, 10,00,000 और 20,00,000। ये इतना आपका जो टर्म इंश्योरेंस है वो आपको SIP के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में एक फैसिलिटी के रूप में दिया जाता है। इसकी कंडीशन ये है कि 18 साल से लेके 51 साल तक, यानी कि 18 to 51 एज का कोई भी इन्वेस्टर ये फैसिलिटी ले सकता है, लेकिन इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है 55 साल, यानी कि 55 साल के बाद ये फैसिलिटी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। मतलब अगर किसी भी इन्वेस्टर की एज 55 साल हो जाती है तो उसका टर्म इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है।
वैसे ही आपका SIP का टेन्यूअर जब खत्म हो जाता है तो ये जो टर्म इंश्योरेंस है वो उसकी भी फैसिलिटी कैंसिल हो जाती है। आपका जो बाकी बेनिफिट है, मंथली इनकम है, वो सब रहेगा, लेकिन आपकी जो इंश्योरेंस की फैसिलिटी है वो आपको नहीं मिल पाएगी। आपको 55 साल के बाद आपका जो टर्म इंश्योरेंस है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको ये स्कीम में इन्वेस्ट किए गए पैसे कहीं भी स्विच नहीं कर रहे हैं। यही दो कंडीशन है SIP प्लस इंश्योरेंस बेनिफिट लेने के लिए। तो दोस्तों एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फ्रीडम SIP में मंथली गारंटेड इनकम मिलता है, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल का टाइम स्लॉट है, यानी कि इतने टेन्योर की आपको SIP करनी पड़ेगी। उसके बाद में 8 साल के लिए सिंगल, 10 साल के लिए 1.5 टाइम्स, 12 साल के लिए 2 टाइम्स और 15 साल के लिए 3 टाइम्स आपको मंथली इनकम मिलेगा। आपका जो SIP के टेन्योर खत्म होने के बाद वो पैसा आप पूरा विड्रॉ भी कर सकते हो या तो फिर मंथली इनकम भी शुरू कर सकते हो, और साथ में SIP के साथ में आपको टर्म इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिलता है जिसे कहते हैं SIP प्लस। तो दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। जिसको डर लगता है, जो कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर है जिनको गारंटेड इनकम चाहिए, उनके लिए बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से। और आपको जो रिटर्न मिलने वाला है उसकी चिंता आपको छोड़ देनी चाहिए। आपको बस SIP का टेन्योर खत्म करने पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि बाकी रिटर्न देने की जिम्मेदारी म्यूचुअल फंड स्कीम की है। 25 दिसंबर 2019 से इसके एप्लीकेशन एक्सेप्ट होना शुरू होंगे और 1 जनवरी 2020 से ये स्कीम मार्केट में लॉन्च होने वाली है और 1 अप्रैल 2020 के बाद ये स्कीम सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उस पर अवेलेबल होगी। और फिलहाल इसको सिर्फ ऑफलाइन यानी कि पेपर से ही इन्वेस्ट किया जा सकता है। कि फ्रीडम SIP का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बढ़िया है और आप उसमें बेशक इन्वेस्ट करें और आपको रिटर्न की भी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये थी जानकारी ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की नई लॉन्च की गई फैसिलिटी फ्रीडम SIP के बारे में। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ डाउट हो तो आप यहाँ पर दिए गए मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल पर मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जिग्नेश परमार आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।